अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डी जे टॉक। जीसी यूनिवर्सिटी की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई है। इसके अंदर लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगी और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इस वीडियो के अंदर वन बाई वन डिस्कस करूँगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन हैं आपके सामने, जो आप पढ़ लेंगे तो जॉब के मतलब डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। सिटी इसके अंदर जो है वो लाहौर है, रीजन इसके अंदर पंजाब है। इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब है ये। एज आपकी जो है वो 40 साल से लेके 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। जो लोग बड़ी उम्र के हैं और कोई अच्छी जॉब गवर्नमेंट की सर्च कर रहे थे, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जिस दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी 26 फरवरी 2024 था, आज के दिन ये जॉब अनाउंस की गई थी और आज ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। मैं आपको डेली बेसिस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। जॉब टाइप इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, ऑर्गेनाइज इसके अंदर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, रीजन इसके अंदर पंजाब है, सिटी इसके अंदर लाहौर है, वैकेंसी इसके अंदर 1 है, सैलरी पैकेज इसके अंदर 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक है, लास्ट डेट इसकी 7 मार्च 2024 है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब तो आप इसके अंदर अप्लाई जो है वो 7 मार्च 2024 से पहले कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये वो सीट है जो पंजाब जीसी यूनिवर्सिटी की जानिब से अनाउंस की गई है। रजिस्ट्रार बीपीएस 20 ग्रेड होगा आपका इस जॉब के अंदर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जेंडर बोथ और एलिजिबल, मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए ये जॉब अनाउंस की गई है। स्किल इसके अंदर जो रिक्वायर्ड है वो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की स्किल्ड है। एज आपकी जो है वो 40 साल से लेके 50 साल तक आप एलिजिबल हैं इस जॉब के अंदर। डिग्री जो इनको रिक्वायर्ड है वो मास्टर की है या पीएचडी की है। अगर आपने मास्टर किया है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 8 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम 12 ईयर्स का। अब नीचे चलते हैं तो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। पीएचडी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉग्नाइज बाय एचईसी। किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से आपने अपना पीएचडी कंप्लीट किया हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में आपने किया है, पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमफिल किया हुआ है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल की आपके पास डिग्री है, एचईसी से आपने कंप्लीट किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने एमए किया है, एमएससी इन एनी डिसिप्लिन और 16 ईयर एजुकेशन एट लास्ट इन सेकेंड डिवीजन फ्राम अ यूनिवर्सिटी ऑफ डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट ड्यूली रिकॉगनाइज बाई एचईसी, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको तालीमी अदारे बताए हैं। अगर आपने इन इन जगह से ये इन इन डिग्रियों में कंप्लीट किया तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन अबव, देन यू नीड टू फॉलो दी स्टेप बाय गाइड। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी आपने इसके अंदर अप्लाई किस तरह करना है। कंप्लीट गाइडेंस है इसके अंदर। फर्स्ट नंबर पर आपने जो इनकी यहाँ पर वेबसाइट है www.gcu.edu.pk, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और किसी भी प्रिंटर शॉप से जाके आपने इसको प्रिंट करवा लेना है। इसकी जो फ़ीस है वो 3,000 रुपये होगी डिपॉज़िट की। वो आपने डिपॉज़िट करवानी है किसी भी HPL बैंक में, GUC ब्रांच के, या किसी भी मोबाइल के ज़रिए आप इसकी फ़ीस जमा करवा देते हैं। फिर आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म उसको केयरफुली कम्प्लीट करना है। ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने इसके साथ लगाने हैं, और CNIC होगा आपकी, CV होगी। और डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से होंगे? डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने तालीम हासिल की है, जो आपका तजर्बा है, CNIC है और फ्रेश पिक्चर्स। इन तमाम तर चीज़ों को आपने जो डाउनलोड किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म उसके साथ आपने अटैच करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ होंगी आपने स्टारवें ग्रेड के ऑफिसर के पास जाके, किसी भी अदारे का, गवर्नमेंट टीचर हो स्टारवें ग्रेड पर या किसी भी गवर्नमेंट अदारे का हो, उससे आपने इन डॉक्यूमेंट्स के पीछे साइन करवा के उनकी स्टैंप लगवा लेनी है। इस तरह आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं
अटेस्टेड हो जाएंगे आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपने इन सब डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है और यहाँ पर ये एड्रेस इनका मौजूद है, यहाँ पर आपने इसको सबमिट कर देना है। इस एड्रेस पे आपने इनको जो है, ये इनका एड्रेस नीचे लास्ट पर शो हो रहा है, यहाँ पर आपने इनको जो है वो सबमिट कर देना है। आप इनको कोरियर कर सकते हैं या जाके खुद जमा करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपके अपने ऊपर है कि आपने इनको किस तरह करना है। ये आपने इनको इस एड्रेस पे जो है वो भेज देना है। मेरा नाम डीजा है, मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।